ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. दिस इज़ अवर थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर वन. सो लेट्स स्टार्ट. जमाल एंड कालू, द मैसन ऑफ जागृति स्कूल, सेड दैट देयर ग्रैंडफादर यूज मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिक्स. सम ऑफ दीज आर शोन इन दिस फोटो. जमाल और कालू क्या थे? जिसने ये स्कूल बनाया था वो मिस्त्री थे. ठीक है, जमाल और कालू. तो वो क्या बोलते थे कि उसके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके की ईंटों का इस्तेमाल किया है. ठीक है, कौन कौन सी ईंटें? ये जो फोटो में दिखाई हुई हैं. ठीक है, इस तरह की कुछ कुछ ईंटें. नाउ दीज आर सम क्वेश्चंस. ये अभी हम आगे देख लेंगे, पहले देख लेते हैं. ठीक है, ब्रिक्स एंड ब्रिक्स, हॉट एंड फ्रेश. गणेश एंड साहिबा लिव नियर अ किलन वेयर ब्रिक्स आर मेड. किलन क्या होता है? वो आपने देखे हैं ना, जिसको हम हिंदी में तो शायद भट्टा बोलते हैं उसको, जहाँ पे ईंटें बनती हैं. ठीक है, उसे बोलते हैं किलन. ठीक है, वो गणेश और साहिबा उसके पास में रहते हैं. कैन यू गैस हाउ हाई इज द चिमनी हेयर इज इट? तो वो आपको गैस करना है कि वो चिमनी जो है वो कितनी ऊंची हो सकती है. ठीक है, तो ये अभी हम देखते हैं ना सारे क्वेश्चन के आंसर. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ दीज ब्रिक्स हैव कर्व्ड एज? इनमें से कुछ जो ईंटें थी अभी फ़ोटो में हमने देखी थी, इनमें से किस में कर्व्ड एज है? कर्व्ड का मतलब समझ में आता है, जिसमें एज मतलब किनारा और कर्व मतलब थोड़ा राउंड जैसा. ठीक है, तो ये कुछ ईंटें हैं जिसमें कर्व्ड एजेस है. ओके, तो आंसर इज ब्रिक्स वन एंड टू फ्रॉम द टॉप लेफ्ट हैव कर्व्ड एज. नाउ क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मैनी फेसेस डू यू सी द लॉन्गेस्ट ब्रिक? योर आंसर विल बी टू फेसेस आर सीन इन द लॉन्गेस्ट ब्रिक. क्वेश्चन क्या था कि जो सबसे लंबी ब्रिक है उसके आपको कितने फेस दिख रहे हैं? तो हमको कितने फेस दिख रहे हैं उसमें? केवल टू. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 26, इज देयर एनी ब्रिक विच हैज़ मोर देन सिक्स फेसेस? अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि क्या कोई ऐसी ईंट है जिसमें छः से भी ज़्यादा फेस होंगे. तो जो हमें पता है कि ईंट की शेप क्या होती है, क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड में कभी भी छः फेस से ज़्यादा फेस नहीं होते हैं. सो योर आंसर विल बी नो, अ ब्रिक कैन नॉट हैव मोर देन सिक्स फेसेस. नाउ क्वेश्चन नंबर 27, हैव यू सीन ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस? ए, हाउ लॉन्ग इज इट? आपने क्या अलग अलग साइज की ईंटें देखी हैं? ठीक है, योर आंसर विल बी, और अगर देखी हैं तो वो सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ी ईंट कितने साइज की देखी हो? इट इज 21.5 सेंटीमीटर इन लेंथ. तो लेंथ कितनी होती है ईंट की? 21.5 सेंटीमीटर. वाइड मतलब चौड़ाई कितनी होती है? 10.25 सेंटीमीटर. एंड हाइट विल बी 6.5 सेंटीमीटर. क्लियर है. नाउ क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, मुनिया वांट्स टू मेक अ वॉल 1 मीटर लॉन्ग, हाउ मैनी ब्रिक्स विल शी नीड टू पुट इन अ लाइन? योर आंसर विल बी, She needs more than 4 bricks but less than 5 bricks to make a wall 1 meter long. क्वेश्चन क्या था कि मुनिया को 1 meter लंबी दीवार बनानी है. ठीक है, 1 meter लंबी दीवार बनाने के लिए उसको कितनी ईंटें चाहिएंगी? तो हमें पता था कि ईंट की हमें लंबाई कितनी है, 21.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 21.5 सेंटीमीटर अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 5 4 20 कैरी ओवर 2, 4 1 4 और 2 6, 4 2 8. तो ये कितना हो गया? 86.0. मीन्स 4 से तो ज़्यादा चाहिएंगी ईंटें, लेकिन अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 5 से करके देखें, 21.5 मल्टीप्लाई बाई 5 5 5 25 कैरी ओवर 2 5 1 5 2 7 5 2 10. तो ये कितना हो गया? 107.5.
तो इसमें हमें क्या पता चल गया कि उसको चार से तो ज़्यादा ईंटें चाहिएंगी लेकिन पाँच से कम। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 29, कैन यू गैस हाउ हाई इज़ द चिमनी हेयर? इज इट, वो चिमनी हमें दिखाई थी पीछे, तो वो उसकी हाइट कितनी होती है वो हमें एक बार गैस करके बताना है। तो चिमनीज हाइट इज़ अबाउट 50 मीटर। तो चिमनी जो होती है, भट्टा जिसे बोलते हैं, वो कितना हाइट कितनी हो सकती है उसकी? अप्रोक्सीमेटली 50 मीटर्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पेज। गणेश एंड साहिबा लव टू लुक एट द पैटर्न ऑफ ब्रिक्स इन द लॉन्ग लॉन्ग लाइन्स कैप्ट आउट टू ड्राई। दे ऑल्सो वॉच हाउ ब्रिक्स आर मेड। हेयर आर फोर पिक्चर्स फ्रॉम द ब्रिक क्लन। These pictures are jumbled up. Look at them carefully. गणेश और साहिबा जो हैं वो क्या, उनको अच्छा लगता है कि कैसे मतलब ईंटों को सुखाते हैं, कैसे ईंटों को बनाते हैं, वो सब देखना उनको अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिक क्लन की कुछ चार पिक्चर दी हुई हैं कि कैसे कैसे ब्रिक बनती है। तो देखिए फर्स्ट पिक्चर में क्या है, ये देखो, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, हाउ डू यू थिंक अ ब्रिक इज मेड आउट ऑफ सॉइल डग फ्रॉम द अर्थ? लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्कस इन ग्रुप्स। मतलब ईंटें बनती कैसे हैं, मिट्टी सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मिट्टी खोदते हैं, ठीक है, उसके बाद में उसको एक उसका बॉक्स टाइप होता है, उसमें मिट्टी को गीला करके उसमें डालते हैं, फिर उसको उसके बाद में सुखाते हैं, तब एक ईंट बनती है, और लास्ट में उसको क्या करते हैं, चिमनी में डाल के पकाते हैं, तभी वो स्ट्रांग होती है। तो इसको एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर इन, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, हाउ आर फोर पिक्चर्स फॉर्म द ब्रिक क्लन। These pictures are jumbled up. Look at them carefully. Write the correct order. ये कुछ पिक्चर दी हुई थी ए बी सी डी करके, उसमें से हम इनको क्या करना है, अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में, कि सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है। ठीक है, तो सी में देखो, सबसे पहले देखो सी में क्या हो रहा है, ईंट सी में देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले ईंटों, ये मिट्टी को खोद रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में मिट्टी का एक बार ये सांचा जैसा बॉक्स टाइप होता है उसमें बनाते हैं, उसको डालते हैं मिट्टी को, फिर उसके बाद में उसको ऐसे सुखाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसका करेक्ट अरेंजमेंट है। ठीक है, नाउ हैव यू सीन अ ब्रिक क्लन? डिड यू ट्राई टू गैस द नंबर ऑफ ब्रिक्स कीप देयर? आपने कभी एक ब्रिक क्लन देखा है क्या? कभी तुमने गैस करने का ट्राई किया है कि कितनी ईंटें वहाँ पर रखी जाती हैं? देर आर मैनी मैनी ब्रिक क्लिंग्स इन इंडिया, थाउजेंड ऑफ देम, मोर देन 100,000। कैन यू इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर इज? दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड 1 लाख। कैन यू ट्राई टू राइट इट? आस्क योर फ्रेंड वेयर दे हैव हियर्ड ऑफ अ लाख। ये अभी हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। लुक एट दीज फोटोज एंड गैस हाउ मैनी ब्रिक्स आर कैरीड बाई दिस ट्रक। ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम अ ट्रक ड्राइवर हाउ मैनी ब्रिक्स दे कैन कैरी इन 1 ट्रक। नाउ मेंटल मैथ। भजन बायज ब्रिक्स, भजन वेंट टू बाय ब्रिक, द प्राइस वॉज गिवन फॉर 1,000 ब्रिक्स। द प्राइस वर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम 4 different types of bricks। भजन क्या है, ईंटें खरीदने के लिए गया, उसे अलग अलग प्राइस उधर बताया क्लन वाले ने। तो पहले ओल्ड ब्रिक्स का क्या प्राइस था, 1,200 for 1,000। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ईंटापुर, 1,800 for 1,000। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद, 2,000 for 1,000 bricks। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हम नेक्स्ट पेज पे सारे देख लेते हैं एक बार अच्छे से। ठीक है, हैव यू सीन अ ब्रिक क्लन? डिड यू ट्राई टू गैस द नंबर ऑफ ब्रिक्स कैप देयर? आपने कभी ब्रिक की जो क्लन होती है जहाँ पे ईंटें बनती हैं वो देखा है, या फिर कभी आपने वहाँ मतलब ये गैस किया है, गैस करने का ट्राई किया कि वहाँ कितनी ईंटें
होती होंगी। योर आंसर विल बी यस, आई हैव सीन अ ब्रिक लेन, देर मे बी मोर देन 10 लाख ब्रिक्स के अपना ब्रिक लेन। हाँ, मैंने ये देखी है ब्रिक लेन, और वहाँ पे 10 लाख ब्रिक्स से भी ज़्यादा ईंटें रखी जाती होंगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 32, कैन यू ट्राई टू राइट 1 लाख? क्या आप 1 लाख लिखने का ट्राई करोगे? ठीक है, आंसर विल बी इट इज़ रिटन एज 100000। ये क्या हो गया 1 लाख। इसको हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारा वंस, फिर क्या होता है टेंस, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड, फिर 10,000, और उसके बाद में लैक। ठीक है, तो यहाँ पे 1,000,000, तो देर आर 5 ज़ीरोज इन 1 लाख। क्लियर हो गया सबको? लुक एट दीज फोटोज गिवन इन द बुक एंड गैस हाउ मैनी ब्रिक्स आर कैरीड बाई दिस ट्रक। अभी वो ट्रक के फोटो दिखाए थे, उसमें मतलब हमें वो देखना है और गैस करना है कि एक ट्रक में कितनी ईंटें होंगी। इट इज़ कैरिंग अराउंड 5 to 10,000 ब्रिक्स। तो एक ट्रक में लगभग कितनी ईंटें आएंगी? 5 to 10,000। ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम अ ट्रक ड्राइवर हाउ मैनी ब्रिक्स दे कैन कैरी इन 1 ट्रक। अभी ट्रक ड्राइवर से पूछना है कि वो कितनी ईंटें लेके जा रहा है। ट्रक ट्रक ड्राइवर टेल्स दैट ही कैरीज नियरली 5,000 ब्रिक्स इन हिज ट्रक, और इन द बिगर ट्रक दे कैन कैरी अराउंड 10,000 ब्रिक्स। तो एक वो ट्रक ड्राइवर का बताता है कि इसमें लगभग 5,000 ब्रिक्स हैं, और अगर कोई बड़ा ट्रक होता है तो उसमें 10,000 ब्रिक्स होती हैं। ठीक है, नाउ बजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। ही बॉट 3,000 ब्रिक्स। हाउ मच डिड पे? कॉस्ट ऑफ न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद इज 2,000 फॉर 1,000 ब्रिक्स। अभी ब्रिकाबाद का हमने टेबल में देखा था कि वहाँ 1,000 ब्रिक्स के लिए कितना कॉस्ट था? 2,000। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक इज इक्वल टू ₹2 हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 3,000 ब्रिक्स इज इक्वल टू 3,000 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6,000। ठीक है, एक ब्रिक का कॉस्ट कितना था? ₹2। तो अगर 3,000 मतलब 3,000 ब्रिक हमें लेनी है तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 2 से। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6,000। तो उसे टोटल कितना पे करना पड़ेगा? 6,000। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस वॉट ही विल पे इफ ही बायस 500 ओल्ड ब्रिक्स। अगर वो 500 पुरानी ईंटें मतलब ओल्ड ब्रिक्स लेता है तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो ओल्ड ब्रिक्स का कॉस्ट क्या था? 1200 फॉर 1,000। तो 500 ईंटें हमें लेनी है मतलब जस्ट हाफ ऑफ 1,000, तो हमारा कॉस्ट भी रुपीज़ भी कितने हो जाएंगे? जस्ट हाफ ऑफ 1200, एंड द हाफ ऑफ 1200 विल बी 600। क्लियर? नाउ चैप्टर इज़ फिनिश्ड।